J2024 will be harder. पहले से लेंदी आ रही है 40 मिनट में केमिस्ट्री करके आ जाना, क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अभी ये सारे चैप्टर जो तुम्हारे रट्टा मार वाले चैप्टर थे वो डिलीट हो गए। J2024 will be harder. अब ये बात गलत है ऐसे ही वो तुम खुद बताना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज हो जाएगा। और अगर तुम अभी तक सीरियस नहीं हो ना तो सीरियस हो जाओगे। अब देखो हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो यार केमिस्ट्री का क्या सीन रहा है कि नॉर्मल जो केमिस्ट्री के पेपर्स आते थे हम लोग उसको 30 मिनट, मतलब ऐसा लोग कहते थे कि चलो 30 मिनट में 40 मिनट में केमिस्ट्री करके आ जाना, क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रहता था, तुम्हारा पॉलीमर्स रहता था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स रहते थे जिनके क्वेश्चन जस्ट ऐसा था कि चलो ठीक है पढ़ लिया तो बस टिक करना, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही रहते थे और बहुत ईजिली वो हो जाता था, इसलिए हमारा 30-40 मिनट में केमिस्ट्री हो जाता था, जितना करना रहता था जनरली उतना हो ही जाता था। बट अभी क्या हुआ है, अभी ये सारे चैप्टर्स जो तुम्हारे रट्टा मार वाले चैप्टर थे वो डिलीट हो चुके हैं। तो अभी तुमको हर एक क्वेश्चन के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब अब तुम्हारा जो प्रीवियस में जो टाइम लगता था उससे कहीं ज़्यादा टाइम अब लगने वाला है केमिस्ट्री को सॉल्व करने में। तो ज़रा सोचो कि अगर अब केमिस्ट्री तुम्हारा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो जैसे हमारा मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, कभी कभी ईजी ही रहता है लेकिन अगर वो लेंदी आता है तो वहाँ पर हमारा ओवरऑल पेपर का लेवल बढ़ जाता है। तो इस बार कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ऑब्वियसली इतने सारे चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक के 4-5 चैप्टर डिलीट हो गए तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी चेंजेस आपको दिखेंगे। बट वही बात है कि जो भी आएगा क्वेश्चन वो आपके सिलेबस से ही आने वाला है। जो 6 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं अगर 4 या 5 डिलीट हुए हैं तो जो बचे हुए 5-6 चैप्टर हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस अब कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे ज़्यादा आने वाला है, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। उसके बाद बात करें ऑर्गेनिक एंड फिजिकल की, तो वो काफ़ी हद तक आपका सेम ही है, फिजिकल से आपका सरफेस हटा है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे एक क्वेश्चन आते थे आपके। तो ऑर्गेनिक तो वही है यार, और ऑर्गेनिक से बस वही है कि आपका पॉलीमर जो है वो डिलीट हो गया है और फिजिकल में आपका सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो चुका है। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो केमिस्ट्री आई नॉट से कि हार्डर आएगी, बट हाँ पहले से लेंदी आएगी, ठीक है। तो उसमें स्कोर करना उतना ईजी नहीं होगा जितना पहले होता था, इसलिए अब कहीं ना कहीं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो होगा वो आपका चेंज भी होगा। कमिंग ऑन टू मैथमेटिक्स, तो यार मैथमेटिक्स में बहुत छोटे छोटे टॉपिक डिलीट किए गए हैं, उसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है, तो काफ़ी हद तक मैथ सिमिलर ही आएगा। और मैथ्स तो यार ऑलरेडी हार्ड आती है, तो या हार्ड एंड लेंदी आती है, तो उसको क्या ही चेंज करना। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स। तो देखो यार फिजिक्स में आपके बहुत कम नंबर ऑफ चैप्टर्स डिलीट हुए, तो उसमें भी काफ़ी हद तक पेपर जो है वो सिमिलर आएगा। तो जो गेम बोल सकते हो एक्सपेक्टेड है, जो गेम खेला जाएगा वो केमिस्ट्री में खेला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 रूल्स हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो आप ना बड़े आराम से 98-99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे अपने जेई मेंस के 2024 के एग्जाम में। अब ये 5 चीज़ आप सुन लो, ठीक है, और इसको पेन कॉपी लेके नोट बना लेना। ये 5 चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो आप ज़रूर एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर रहे होगे। अब देखो फर्स्ट चीज़, अब इस चीज़ को सोच के हाइपर नहीं होना कि यार मैंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ ली थी, मैंने एनवायरमेंटल पढ़ लिया था बट यही सारे चैप्टर डिलीट हुए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब जो होना था वो हो चुका है, यू कांट चेंज इट, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जो हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनको प्रिपेयर करें, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। फालतू का पीछे का छोड़ो, अभी आगे बढ़ो, जो आगे सिलेबस में जो चैप्टर आने वाले उनको अच्छे से करो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पुराना बार बार सोच के तुम टाइम वेस्ट करोगे वहाँ से कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड चीज़, अभी जो आधी जनता होगी ना वो क्रैश कोर्स के पीछे भाग रही होगी, और लास्ट मंथ में तो बहुत सारे क्रैश कोर्स भी आएंगे, तुम्हें ना उस चीज़ से दूर रहना है। क्रैश कोर्स इन द सेंस की जो क्रैश कोर्स आते हैं जब आप उनमें जाओगे तो आपको काइंड ऑफ उसमें लेक्चर्स ही दिखाए जाते हैं कि चलो ठीक है पीरियोडिक टेबल से शुरू कर दिया, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, तो उसके बड़े बड़े लेक्चर्स ही होते हैं, वन शॉट वो लोग बोलते हैं 4-5 घंटे में ख़त्म करते हैं। फिर बोलेंगे कि चलो 3 दिन में, एक दिन में उन्होंने 3 लेक्चर लिए आपके, 2-2, 3-3 घंटे के, आपकी पूरी एनर्जी तो वहीं यूज़ हो गई। फिर आपको वो लोग डीपी भी देते हैं, आप कहाँ सॉल्व कर पाओगे, जहाँ पे आप 8-10 घंटे लेक्चर देख रहे हो आप कहाँ से सॉल्व करोगे, आपका पूरा साल ऐसे लेक्चर देखने में ही निकल गया। और आप क्रैश कोर्स में जाओगे वहाँ भी आपका पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, इसलिए रिस्क मत लेना। लास्ट का जो भी 1-2 महीने 60-70 दिन बचे हैं उनमें ना एकदम फोकस्ड होकर फोकस करो क्वेश्चन सॉल्विंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है। यही चीज़ है जो तुमको डिफ्रेंशिएट करेगी बाकी लोगों से। थर्ड चीज़, स्पून फीडिंग के पीछे मत भागो। मान लेते हैं कि तुम्हारा चलो मैथ्स में अच्छा नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम वेक्टर के समीर सर के वन शॉट देख लेते हैं, चलो निशांत वोरा सर से पढ़ा हमसे क्वेश्चन नहीं बने, समीर सर के भी लेक्चर देख लेते हैं, फिर वेक्टर का भी लेक्चर देख लिया, फिर आपने रिटर्न मैट्रिक्स सबके लेक्चर देख लिया, तो आप बार बार बस लेक्चर से लेक्चर ही स्विच कर रहे हो। आप जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप बस स्पून फीडिंग कर रहे हो, आप लिटरली कुछ भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि एक चैप्टर करो अच्छे से करो इन 1 वीक, देन कंप्लीटिंग 3-4 चैप्टर इन 1 वीक एंड डूइंग नो प्रैक्टिस।
चौथी चीज ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि मेरे दोस्त के पास जो है वो बेस्ट मटेरियल है, उसके पास बेस्ट बुक है, वो ज्यादा अच्छे से उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मटेरियल तुम्हारे पास है उसको एक्सेप्ट करो और उसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है। वट एवर मटेरियल यू हैव उसका लेवल 1 लगाओ, लेवल 2 लगाओ, उसके बाद सीधे तुम मेंस के PYQ उस पे चले जाओ। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें किसी एक चैप्टर पे स्टक रहना है, ऐसा नहीं कि तुमने उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सब कर लिया और पता चला 2 महीने बाद जेई मेंस है तो तुम 2 या 3 चैप्टर कर पाए। तो टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट से मत भागो। मॉक टेस्ट कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा 20% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ तो तुम ओवरऑल मॉक टेस्ट तो नहीं दोगे, लेकिन मॉक टेस्ट का कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि तुम्हारा 3 घंटे का सीटिंग आर बन सके। तुम एक टाइम प्रेशर जो होता है कि टाइम बाउंडेड टाइम में तुम क्वेश्चन उतने सॉल्व कर सको, ठीक है, वो सारा चीज़ बिल्ड करना होता है। और जो तुम्हारा 9 से 12 या 3 से 6 जो भी स्केड्यूल रहेगा एग्ज़ाम का, उस स्केड्यूल में तुम एग्ज़ाम दे सको, ठीक है। तो ये काम ऐसे कर सकते हो कि जो भी तुमने इस वीक में चैप्टर कंप्लीट किया तो तुम 15-20 क्वेश्चन फिजिक्स से एक चैप्टर उठा लो, केमिस्ट्री से एक उठा लो, मैथ्स से उठा लो चैप्टर, जो भी तुमने इस वीक में कंप्लीट किया उसको पकड़ो और तुम अपने आप को टारगेट दो कि तुम 3 घंटे बैठोगे और इनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो तुम्हारा 3 घंटे का सिटिंग आवर भी हो गया, तुमने टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर ली और तो और तुमने मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस भी ले लिया, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, और तो और अगर तुम्हारा 50% सिलेबस भी अच्छे से हो जाए तो तुम्हारा 98% कहीं नहीं है। अगर तुमको भी लग रहा है कि केमिस्ट्री में कुछ तो लोचा इस बार होने वाला है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतने अच्छे वीडियोस तुमको यही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।